बधाई के पात्र हैं। और इलाके में जा जा करके जिस तरह से आप लोग सभी पूरी टीम लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है, वास्तव में काबिले तारीफ है। स्वाभिमान संघ के नाम की एक बार प्लीज जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिए। साथ ही जो भी सिंगर यहां आए हुए हैं, पर्टिकुलरली नाम ना लेकर के सभी के, मैं पूरी टीम को जो सिंगर यहां आए हुए हैं और जो पूरी गायक मंडली है, उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप सभी के गीतों ने घर घर में बाबा साहब को जन्म देने का काम किया है। बहुत जबरदस्त, क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनकी जयंती मनाते हैं और समाज को जागरूक करते हैं। यह सोशल मीडिया का एक ऐसा जमाना है जहां पर जो गीत गाए जाते हैं वो गीत सारे सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और हर घर में पहुंचते हैं। जिसके दिल में पीड़ा होती है, जिसने अत्याचार सहे हैं, शोषण सहे हैं, वो निकल करके आता है और क्रांति करता है। यह हमारी 21वीं सदी की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी क्रांति भी होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मैं जितना बोलूंगा उतना कम होगा, रात बीत जाएगी, दिन बीत जाएंगे, लेकिन बाबा साहब की कहानी जो संघर्ष जीवन है वो खत्म होने वाला नहीं है। और हमारी औकात भी नहीं है कि हम बाबा साहब के बारे में पूरा जिस तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने हमें बोलना सिखा दिया, जब हमारी जीभ को काट दिया जाता था, बाबा साहब ने हमें जो है बोलना सिखा दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नारी को मुक्ति दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसा संविधान इस देश को दे दिया कि जो सरकारें हैं ये सोच रही है कि संविधान जो हमारे पास है हम इसको बदल दें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए, राजधानी दिल्ली से, कि अगर संविधान को हाथ पे लगाने की कोशिश की तो हम हाथ काटना भी जानते हैं। कलम चलानी सीखी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सिखा दी हमें कलम चलानी, जो शिक्षित बनो का पहला मूल मंत्र था बाबा साहब का, वो हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने पूरा कर दिया। अब संगठित होने की और संघर्ष करने की हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। बच्चों को पढ़ाना सबसे पहली प्राथमिकता है। ये छोटे छोटे बच्चे ही हैं सामने बैठे हैं, खड़े हैं, ये छोटे छोटे बच्चे ही हैं जो आने वाले समय में आप सभी का भी और बाबा साहब का भी नाम रोशन करेंगे, झंडा बुलंद करेंगे, नीला झंडा पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बुलंद करेंगे। ये वो पीढ़ी है जो आने वाले समय में बदलाव करेगी और 21वीं सदी को, उसकी क्रांति को पूरा करेगी जो शिक्षा से संभव है। बाकी ज्यादा ना कहते हुए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग संगठित रहिए, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। हमें तोड़ा जाता है बीच बीच में, हमें बीच बीच में तोड़ा जाता है जाति के नाम पर, ये खटीक है, ये चमार है, ये वाल्मीकि है। इस बात को समझिए, आपको पता चल जाएगा, इस बात को समझना होगा हमें। और साहब काशीराम जी ने भी हमें जो रास्ता दिखाया और साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी हमें जो रास्ता दिखाया, वो इशारा करके जो रास्ता दिखाया, एक बार वो रास्ता पा लीजिए, आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा, कभी कोई अत्याचार नहीं होंगे, लोगों में भाईचारा हर बिरादरी में, वो सिखाया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। हम बाबा साहब को जाति से जोड़ करके ले लेते हैं, एक विशेष धर्म से जोड़ करके ले लेते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो इस देश के लिए किया वो किसी को भी नहीं शायद मालूम होगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग है हमारा उनको मालूम होगा, हमें वो सब बताना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कर कमलों से ही हुई थी। जब संविधान लिखने वाला
इन लोगों के पास कोई नहीं था, तो उस समय एक शोषित समाज के बेटे, एक शोषित परिवार के बेटे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही देश का संविधान लिखा था। और जो घटना हुई पिछले साल राजधानी दिल्ली में, जंतर मंतर पर भारत का संविधान जलाया गया मनुवादियों के द्वारा आरएसएस की सह पर, उस पर एफआईआर दर्ज कराई। तमाम दिल्ली के साथियों के साथ में, आसपास के इलाकों के साथियों के साथ में मिलकर के अखिल भारतीय भीम सेना ने एफआईआर दर्ज कराई और उनको जेल कराई। अब संविधान को फाड़ना, संविधान को जलाना, ये जो ये इन्होंने किया, जो कृत्य किया, वो करने की बात तो बहुत दूर है। अब ये आंख उठा करके भी संविधान की तरफ नहीं देख सकते, वो हाल इनका कर दिया। साथ में संविधान की रक्षा करने की बात आती है कि हमें संविधान की रक्षा करनी है। बीच में मैं एक बात बताऊंगा आपको, जब भी बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम होते हैं तो हम बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, सारी चीजें बाबा साहब के बारे में बताते हैं, हमारे महापुरुषों के बारे में बताते हैं, बतानी भी चाहिए। लेकिन आज सोशल मीडिया से लोग इतना जागरूक हो चुके हैं, किताबें पढ़ के हमारे महापुरुषों की लोग इतना जागरूक हो चुके हैं कि अब इतने लंबे लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। अब जो है आवश्यकता है तो 21वीं सदी की क्रांति की आवश्यकता है, इतने लंबे लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जब हम लोगों के ऊपर शोषण होता है हम आवाज उठाते हैं। एक बात मैं कह करके जाऊंगा आपको, हमारे ऊपर जब शोषण होता है तो हमें याद आता है देश का कानून, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये तो राजधानी दिल्ली है, लेकिन हम राजस्थान को उठा के देख लें, हम हरियाणा को उठा के देख लें, हम यूपी को उठा के देख लें, हम बिहार को उठा के देख लें, बहुत जबरदस्त शोषण होता है। जब भी शोषण होता है बाबा साहब याद आते हैं। उस समय ये कलम की मार याद आती है, जब ये कलम चलती है एफआईआर लिखी जाती है, लेकिन वो समझौता कर लेते हैं, फिर दोबारा से शोषण होता है। एक बात अपने मन में ये डिसाइड कर लीजिए कि सिर्फ कलम से बात नहीं बनेगी, अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल करना मैं मानता हूं कि वो गांधीवादी है, वो व्यक्ति गांधीवादी अगर दूसरा गाल आगे करता है, इससे अच्छा ये होगा सरदार उधम सिंह की तलवार भी हमारे पास है, उड़ा दो उसको, ये होगा न्याय, ये होगा न्याय। दोबारा फिर कोई अत्याचार नहीं करेगा, कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। तो हमें दबंग बनना होगा, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस दबंगों ने मारा, ये नहीं, हमें खुद दबंग बनना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी। और एक बात और ध्यान रख लेना, इलेक्शन का समय है, आचार संहिता है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी याद रख लेना आप, 2016 में एक केस हुआ था। वो केस क्या था, हमारे समाज को जाति सूचक गाली दी गई थी मंच के ऊपर एक रागनी के माध्यम से, और किसने दी थी आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, सपना चौधरी। अभी अदालत में केस चल रहा है, आपके भाई ने वो केस किया था आप सभी के सहयोग से, बड़ा प्यार मिला था आप सभी का। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ किया है, मैं ये कहता हूं जो किया है आप लोगों ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। अपने समाज की आवाज जो उठी है, इसमें कोर्ट में केस चल रहा है, तो मंच पर गाली दी, हम इन गालियों को क्यों ना याद कर लें। अगर हमने ये गालियां याद रखी तो ध्यान रखना, तुम भी गाली गिनते रहना, गालियां दे जाते हैं, तुम भी गाली गिनते रहना। फिर आया है 5 साल में ये दौर चुनावों का, वो जोश जगाने आया हूं, अब की बार राज बदल देना, इन मक्कार मनुवादियों का बाबा साहब का सपना याद दिलाने आया हूं। होगी क्रांति दलितों के, होगी क्रांति दलितों के, क्रांति का आगाज हो चुका, क्रांति का आगाज हो चुका, यूपी तैयार खड़ी राज मुकुट पहनाने को, दिल्ली का बच्चा बच्चा पुकार रहा बहुजन सरकार लाने को, पूरे देश के और दिल्ली की
यह दलित क्रांति गूंजेगी दरबारों में। अब दलित पीएम की हुंकार उठी है राजधानी के गलियारों में। इसी के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।